हेलो दोस्तों, और आज का ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। और अभी बज चुका है 1 और अभी कुछ नहीं हुआ, अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखा रही हूँ, मेरा जो छोटा ड्रोन है उसको बदमाशी देखिए। तो बूंदिया खा रहा है तो उसको मैं देख के हटा दी हूँ, क्योंकि मैं खाना बनाने जा रही हूँ अभी, इसलिए तभी मैं जा रही हूँ। अभी कुछ काम नहीं हुआ है, मैंने चाय नाश्ता हो गया है, तो अभी ऐसे ही चावल ला कर ऐसे ही रखा हुआ है और उसको डब्बा में रखना ज़रूरत है। अभी मैं जा रही हूँ खाना बना लेने, तो मैं अभी इसी में से चावल बनाऊँगी, क्योंकि देखा कि चावल कैसा है खाने में बनाने में। तो चावल था पहले से, फिर भी ला के रख दिए चावल, चावल बना ले रही हूँ। ये चावल अभी रखना बाकी है, और मैं आज आप लोगों से रेसिपी भी शेयर करूँगी करी का, करी चावल का। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, लास्ट तक तो आप लोग देखते रहिए मैं करी कैसे बनाती हूँ। तो मैं इधर चावल बैठा रही हूँ और अभी जा रही हूँ करी का चावल तैयारी करने, तो आप लोग भी काम में बनी हो। बेटा छोड़ दा, टूट जाता है, छोड़ ना दे बाबा, बहुत ही बदमाश है, छोड़स ना। दो बहुत बदमाश है, देखिए पूरा बेसन गाल में लगा चुका है, यही बनाएगा आज का खाना। तो मैं बड़ी के लिए प्याज काट ली हूँ, प्याज, हरी मिर्च और अजवाइन, और जो बेसन है मैं बेसन डाल दूँगी इसमें। तो इसको अच्छा से, मैं ज़्यादा पानी नहीं डालना बड़ी के लिए, थोड़ा गाढ़ा। तो इधर मैं कर लेती हूँ, इधर में दही जो है खट्टा दही है, तो मैं इसमें मिक्सी में डाल दे रही हूँ, और जो बेसन है मैं बेसन भी डाल रही हूँ। तो दही और जो बेसन है उसको मिक्सी में अच्छा से फेंट लेने से जो है दही फटता नहीं है। और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा करी बन के तैयार होता है। तो मैं इसको अच्छा से मैं मिक्सी में फेंट लूँगी, ये देखिए बहुत ही अच्छा से मैं फेंट ली हूँ, और बहुत ही अच्छा कलर भी आ चुका है। तो अब मैं इसको चावल भी देख लेती हूँ, तो देखिए आधा कुक हो चुका है, अभी बाकी है। तो इधर मैं कढ़ाई में तेल डाल ले रही हूँ, और मैं अभी कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ थोड़ा सा हल्दी और करी में डाल दूँगी। और देखिए इधर मैं जल्दी जल्दी कर ली हूँ, क्योंकि बहुत ही लेट हो चुका है और इधर करी बन चुका है। तो इसको तब तक चलाना है जब तक ये खौलने ना लगे, तब मैं नमक डालती हूँ। तो इधर मैं तड़के के लिए ले ली हूँ 2 करी पत्ता और हींग और राई, जीरा और सुखाए मिर्च। तो इधर मैं बड़ी का जो क्लिप था वो डिलीट हो चुका है, तो मैं नहीं डाल पाई। तो बड़ी तो आप लोग आधा में दिखा दी थी, सिर्फ तलना बाकी था। इधर करी बन चुका है, तो मैं इधर खाना खा लेती हूँ। अभी बच चुका है अढ़ाई बच चुका है, तो मैं इधर खाना खा लेती हूँ। और जो है खाना खा के मैं थोड़ा सा भी आराम कर लूँगी, और शाम को आप लोग से मिलूँगी। तो इधर देख सकते हैं इधर शाम हो चुका है, और मैं इधर देखिए जो मटर है कितना अच्छा है, जो मटर में ये जम चुका है। तो मैं इसको
प्याज अदरक लहसुन लहसुन दे के इसको हल्का भून लूँगी, सिर्फ ऐसे ही घुगनी जैसे घुगनी बनता है उस तरीके से मैं इसको भून लूँगी खाने के लिए। तो इधर बीच बीच में देखिए जो है बदमाशी भी हो रहा है इधर, और जो छोटा है रो रहा है। तो इधर मैं जल्दी जल्दी तैयारी भी कर लेती हूँ। इधर जो है घुगनी बन के तैयार हो चुका है और मैं जा रही हूँ अभी खाने, और आज का वीडियो यहीं तक है।